कोरोना महामारी को लेकर जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया है, लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत भी हो चुकी है, वहीं चौथे चरण में नई गाइडलाइन भी आई है। यानी कि आपको मालूम है पहले एक गाइडलाइन थी कि बिना हेलमेट फ्यूल नहीं मिलेगा, लेकिन नई गाइडलाइन है बिना मास्क फ्यूल नहीं मिलेगा। यानी कि हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, ये पेट्रोल टंकी है, पेट्रोल टंकी पर आप देख सकते हैं बिना हेलमेट के लोग हैं, बिना मास्क के भी दिख रहे हैं, डबल सीटर भी हैं, लेकिन जो यहाँ पर पेट्रोल टंकी पर लोग हैं कोई भी फेस कवर नहीं लगाए हुए, लगातार ना तो हाथों में ग्लव्स दिख रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पे फ्यूल दिया जा रहा है, कार भी है, कार वालों को भी फ्यूल दिया जा रहा है, और सैनिटाइजर की जो व्यवस्था की बात की गई थी, सैनिटाइजर की व्यवस्था तो की जा रही है कि लोगों को सैनिटाइज कराया, लेकिन जो बात की जाए सेफ्टी की, यानी कि जो सरकार कह रही है कि जो भी पेट्रोल टंकी है वहाँ पर बिना मास्क फ्यूल ना दें, और जो भी बिना हेलमेट हैं उनको भी फ्यूल ना दें, लेकिन उसकी साफ तौर से धज्जियाँ भी उड़ा देखी जा रही हैं। यानी कि अब बात की जाए कि जिस तरीके से जो आदेश दिए गए थे बिना उस आदेश की अवहेलना भी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी दिख रही है, जिसको लेकर जो शासन है उसको भी सख्त होना पड़ेगा कि जो नियम है उसकी का सख्ती से पालन हो और लोग इसके प्रति जागरूक हों, क्योंकि जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही को भी जाहिर कर रहा है। सत्योदय के लिए मोहम्मद कलीम, लखनऊ।